भाई फांसी तक पहुंचाए और इन बच्चों का कुछ ना कुछ किया जाए कि जो मतलब ये इतनी क्रूरता से हत्या करने वाले इतने बुरे दरिंदों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। हमारी पुलिस प्रशासन और गहलोत सरकार से मांग है कि इन दरिंदों को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाया जाए। इनको नमस्कार। लगातार मौसम या मूसा हत्याकांड के मामले की जो भी खबरें हैं वो लगातार मैं कवरेज कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, मल्हाका में हूं, मल्हाका बास जो गांव है उसके जो मूसा है, मूसा के परिवार के लोग अभी मेरे साथ हैं। बता दें हम आपको कि 2 मई से वो घर जाता है, उसके बाद घर नहीं आता है। घर न आने के बाद 29 तारीख को उनकी गुमशुदगी की, यूं कहते हैं कि उनको अगवाई की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। उसके बाद जब पुलिस ने बताया या फिर पुलिस के द्वारा बताया गया कि आपका जो मौसम है वो अब इस दुनिया में नहीं है, कुछ लोगों ने, ये आरोपी हैं जो जिनके ऊपर शक जाहिर किया गया था, उन लोगों ने ही बताया कि उसको वहां इस तरह से उनकी हत्या कर दी गई। निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद एक मुस्लिम युवक को जला दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह का मंजर वो रहा होगा। परिवार के लोग हैं, क्या बातें हैं पूरी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? क्या लगते हैं आप? चाचा के लड़के हैं। क्या मामला रहा, कब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, कुछ ऐसे बताइए। सर 2 मई की बात थी, 2 मई को सुबह के टाइम घर से निकला था, कोई फोन आया था, दिल्ली नजफगढ़ का एक रहने वाला आरोपी है, उसका कॉल आया था घर पे, तो उसके बच्चे ने कॉल उठाया, तो बच्चे को बोला गया कि उसको भेज दो मौसम को बंजारावास में छोटे लाल के घर पे, तो वहाँ का उन्होंने बोला, तो बच्चे ने उसके पिता को बोला, वो फोन लेकर तुरंत ही निकल गया था सुबह सुबह के टाइम में। उसके बाद में वो घर पे वापस नहीं लौटा। उसके बाद में जब देखा गया तो एक दो लड़कों ने देखा, हमारे एक हमारे चाचा जी हैं उन्होंने भी देखा, तो उनके साथ में वो बाइक पे देखा, आखिरी लोकेशन वहीं की थी, केडली चंद्रावत के तिवारे से इधर रोड पे देखा था। उसके बाद में उसकी कोई लोकेशन हमारे पास नहीं थी। फिर हमने यहाँ पंचायत भी जोड़ी, आदमी इकट्ठे किए, भाई हमारा आदमी लापता है या गायब है। उसके बाद में 29 तारीख उन्होंने इधर उधर के बहाने खेले काफी, उसके बाद में हमने 29 तारीख को गुमशुदगी के नाम से हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी लक्ष्मणगढ़ थाने में। उसके बाद में सर कुछ दिन निकलते रहे, पुलिस ने भी सुराग चलाया तो आरोपियों को गिरफ्त में लिया। उसके बाद आरोपियों के साथ में उन्होंने कुछ उनके अवशेष थे जो गोविंदगढ़ शमशान घाट से लेकर आई है पुलिस, उनको जब्त किया है, बरामद किया है, उसके बाद में मर्डर साबित कर दिया है। मर्डर साबित करने के बाद में अभी तक हमें पूरा खुलासा नहीं दिया था काफ़ी दिनों तक। अभी कल पुलिस ने हमसे मर्डर किए 302 धारा के तहत हमसे मुकदमा दर्ज करवा लिया है, पूरा खुलासा भी दिया है। कुछ अवशेष हैं जो थाने में रखे हुए हैं, जो हड्डियाँ कुछ बची हैं, बाकी एकदम निर्मम तरीके से हत्या की गई है। ले जाकर बहला फुसला कर ले जाना, कोई भी टैबलेट देना या इंजेक्शन देना, कोई भी नशा करा के एकदम बेहोश तरीके से ले जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके एकदम निर्मम तरीके से हत्या कर एकदम जघन्य अपराध किया है, और धर्म के विरुद्ध उन लोगों ने उसे जड़ा कर राख कर दिया। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोगों के लिए इस सभ्य समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, और हम लोग इसी की मांग करते हैं गहलोत सरकार से, सभी अपने पुलिस प्रशासन से, कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए और फांसी तक के लिए जाने के लिए जुर्म किया जाए उनके ऊपर, और परिवार को, पीड़ित परिवार को हमें कुछ न्याय मिले, और इन बच्चों को भाई हम कल को किसके गले लगाएं, इसका भी कोई न्याय मिले हमारे। 2 तारीख के बाद किसी तरह का कोई संपर्क मौसम से आप लोगों का मौसम से हुआ? नहीं, उसके बाद में कोई संपर्क नहीं हुआ। 2 तारीख को ही सुबह में देखा गया। क्या करते थे? मौसम कुछ नहीं, यही मेहनत मजदूरी करते थे, बच्चों को पालन पोषण करते थे। इस तरह की जो निर्मम हत्या उनकी की गई है, जलाया गया है, क्या इसके पीछे के कारण हो सकते हैं? बताया जा रहा है कि पारिवारिक संबंध उन लोगों से हैं, फिर भी इस तरह का एकदम ऐसा सामने आता है मामला, क्या वजह हो सकती है? देखो, इसमें आना जाना था पहले से, यहाँ उठना बैठना था इन लोगों के पास में, ऐसा कोई हमारा पुराना कोई रंजिश का कोई ऐसा गेम नहीं था, कोई खेल नहीं था, कोई पुरानी रंजिश ही नहीं थी कैसी भी, एकदम प्यार प्रेम था, आते जाते थे सब लोग, ऐसी कोई बात नहीं थी कोई पुरानी रंजिश हो। अब इसमें क्या बताया जाएगी, ये तो क्या कह सकते हैं हम भी, लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस वो आरोपी जो बका रहे हैं अंदर, तो पुलिस का कहना है कि भाई इनकी आपसी रंजिश थी पुरानी, लेकिन हमारे हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि कोई हमारी पुरानी रंजिश नहीं थी इसमें, तो यही हमारा कहना है। कितने बच्चे? मौसम के 3 बच्चे हैं, एक लड़की जवान भी है, उसकी भी शादी करनी है कल को, तो 2 बच्चे छोटे छोटे हैं। जो साक्षी मिले हैं उनसे तय हो गया है कि वो मौसम के यहाँ उनकी जाँच हो चुकी है? नहीं, अभी तक कोई जाँच नहीं हुई है। अभी तक पुलिस ने जो खुलासा किया है वो यही किया है कि अभी हम आरोपी हैं उनकी जुबान पर ही मामला, उनकी जुबान पर ही बताया गया है, उनके हिसाब से ही अस्थियां लाई गई है वहां से, जो भी कुछ अवशेष उनके बाकी थे उनको लाया गया है, अभी जांच के लिए भेजा जाएगा,
तो दो चार दिन का अभी टाइम भी ले आए, पुलिस ने बोला है कि भाई दो या चार दिन अभी लगेंगे, उसके बाद में ही हम दे पाएंगे, उससे पहले तो हम दे भी नहीं सकते, तो ये जांच करना भी जरूरी है। अभी डीएनए टेस्ट किया जाएगा, तो डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन बात ये भी है कि डीएनए टेस्ट में ये तय होता है कि किसके हैं किसके नहीं है जी, इसलिए पुलिस ने रोक के रखा है कि डीएनए टेस्ट के बाद ही देंगे। क्या लगता है कि किसी और के तो नहीं हो सकते? नहीं, अब ये तो कैसे कह सकते हैं अपन लोग, लेकिन पुलिस का जो मुलजिमों के आधार से कहना है तो पुलिस का तो यही कहना है कि भाई मौसम के हैं, लेकिन फिर भी जांच के बाद में ही जो कुछ है वो तो निश्चित जांच के बाद में ही। चलो, तो क्या चाहते हैं आप? तो हम तो यही कहेंगे कि भाई ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को फांसी तक पहुँचाना जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि सभ्य समाज के अंदर जीने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे अपराध करने वाले लोगों के लिए, और फांसी हो 101%। हमारा तो यही कहना है पूरे ग्रामवासियों का, सभी का, गहलोत सरकार से, पुलिस प्रशासन से, सभी लोगों से यही कहना है अपना तो, कि भाई फांसी तक पहुंचाए और इन बच्चों का कुछ ना कुछ किया जाए, कि जो मतलब कुछ भी नहीं। ये मौसम के परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों से लगातार मैं बातचीत कर रहा हूँ। मौसम जो है वो कब मतलब घर से जाता है, किस वक्त में जाता है, क्या बातें होती हैं, वो लगातार लोग बता रहे हैं, लेकिन जब आप लोग 29 तारीख को जब रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो क्या रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और क्या मामला होता है? 29 तारीख को जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी वो हमने गुमशुदा की कराई थी। गुमशुदा की करवाई थी या फिर आप लोगों ने उसको अरेस्ट मतलब किसी ने उसको अगवा कर लिया है? और शक के आधार पर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और साथ में उनका नाम भी लिखवाया था जिनको के ऊपर हमको शक था, जिनके साथ में देखा गया था लास्ट बार जिनके घर पे, उस गया था। का मतलब हाँ, किडनैपिंग के आधार पे, शक के आधार पे उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी 29 तारीख को। उसके बाद में पुलिस ने उनको कौन कौन लोगों के नाम उसमें दे गए थे और कौन कौन लोग आपको लगता है कि इन लोगों ने इस जघन्य अपराध को इसका मामले को दिया? देखो, हमने तीन आदमियों के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई थी, एक नरेश बंजारा है, सोन लाल और एक छोटे लाल, और वो सुबह इधर छोटे लाल के घर पे गया था। हमने उस शक के आधार पर तीनों के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट उन्होंने शक के आधार पर की थी। अब तो कन्फर्म हो चुका है, पुलिस ने भी खुलासा कर दिया है कि उन तीनों ने मर्डर करके छोटे छोटे टुकड़ों में जला दिया है। ये इतनी क्रूरता से हत्या करने वाले इतने बुरे दरिंदों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। हमारी पुलिस प्रशासन और गहलोत सरकार से मांग है कि इन दरिंदों को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाया जाए, इनको जितनी भी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने जो आदमी को जिंदा जला मारकर टुकड़े कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में जलाया है, ऐसे दरिंदे को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे दरिंदों को अशोक गहलोत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे दरिंदों को फांसी के फंदे तक जरूर पहुँचाया जाए। देखिए, मौसम के परिवार के लोग हैं, उनका दर्द निकल कर सामने आ रहा है कि जब मौसम जो है, जो कि लगभग 35 साल का है, दो बच्चे उनके बेटियां जो है वो जवान है, अभी बच्चा मासूम सा बच्चा है जिसको अभी तक बोलने नहीं आता, क्योंकि इतना वो नहीं है। परिवार की एकदम गरीब परिवार था जिसमें परिवार को चलाने वाला सिर्फ एक मौसम था, लेकिन कुछ लोग उसके निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद जला देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या मौसम उस वक्त बीती होगी, ये तो मौसम जानता है, लेकिन अब मौसम इस दुनिया में बताने के लिए नहीं है। उन लोगों ने उसको जला भी दिया। साक्ष्य जो है वो पुलिस को मिले हैं आरोपियों के बातों पे, आरोपियों से जब रिमांड लिया गया उनके आधार पे ही उन्होंने परिवार वालों को बताया कि इस मामले में ये हो चुका है, क्योंकि 29 तारीख को मामला जो था वो किडनैपिंग का मामला उन्होंने दर्ज कराया, उन्होंने अगवाई की है। उसी के साथ जब पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया तब ये मामला सामने आया कि मौसम जो है उसको जला दिया गया, गोविंदगढ़ के शमशान घाट में उसको जलाया गया और वहीं से उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, उसी के लिए अभी परिवार जो है वो इस आस में बैठा है कि शव जो है वो हमको सौंपा जाएगा। शव में सिर्फ बचा है उनका कंकाल मात्र, हड्डियां बच गई है क्योंकि उसको जला दिया गया है, वो भी छोटे छोटे टुकड़े करके। आप सोच सकते हैं कि जो अपराधी हैं वो किस हद तक गए होंगे, किस हद तक उन्होंने उस मामले को अंजाम दिया होगा। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि निर्मम तरीके से हत्या और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया और उसके टुकड़े कर दिए, मौसम के टुकड़े कर दिए गए, फिर उसको जला दिया गया। अभी तक बने रहिए आप लगातार, इससे कोई भी अपडेट अगर आता है तो सबसे पहले हम आपको डीटीवी पर दिखाएंगे। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ, कैमरा पर्सन विकी के साथ, मैं आपका अपना जो कुली, डीटीवी न्यूज से, धन्यवाद।